हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। और टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता हो ही चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या मतलब क्या दिखाने वाला हूँ मैं। तो बेसिकली जो मैं अभी स्नाइपर चलाना सीख रहा हूँ, तो वो मैं HUD कैसे सेट किया हूँ, कौन से बटन से फायर कर रहा हूँ, कहाँ से वो स्विच कर रहा हूँ गन, ये मतलब ये हमारी स्नाइपर, और वैसा वगैरह सिंगल सिंगल स्नाइपर कैसे चला रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ ख़राब हो गया, डबल स्नाइपर कैसे चला रहा हूँ, तो वो पूरा HUD आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्नाइपर का रोल एक्चुअली होता क्या है। तो स्नाइपर मतलब एक ऐसा बंदा होता है जो कि कोई भी स्पोर्ट्स टीम उठा लो आप, उसमें कोई ना कोई एक बंदा तो स्नाइपर प्लेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका रोल ये होता है कि वो अपनी टीम को बैकअप देता है, वो बंदा पीछे रहता है और अपना अपने टीम के जो दूसरे बंदे होते हैं जो कि रश करते हैं, रश करके एनिमी को मारते हैं, तो उसको बैकअप देने का काम स्नाइपर का होता है। और जो भी टीम में स्नाइपर होगा, अच्छा वाला स्नाइपर, अच्छा बैकअप देता होगा, तो वो 99% उसी की स्क्वाड जीतेगी, सामने वाली स्क्वाड वाइप ही हो जाएंगी क्योंकि उस स्नाइपर का उतना बैकअप मिल रहा होता है। वैसे मेरा फेवरेट स्नाइपर पहले तो मैं पहाड़ी गेमिंग को देखता था भाई, वो क्या स्विच कर रहा था। उसके बाद लोरेम को भी देख रहा था, लोरेम के भी अभी तो नई वीडियो आ रहे, पहले बहुत आ रहे थे। लोरेम है, फिर XFF हो गया, ये मतलब अच्छे मतलब मोबाइल स्नाइपर कर रहा हूँ मैं, PC वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये मोबाइल प्लेयर्स के लिए ही वीडियो है। तो PC वाले अगर कोई देख रहे हैं तो उसके लिए मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये मोबाइल के ऊपर मैं बना रहा हूँ। मैं तो अभी जैसे तो बिगिनर हूँ, स्नाइपर अभी तो सीख रहा हूँ, लेकिन आपको मतलब नेक्स्ट लेवल स्नाइपिंग देखनी है तो मैंने जैसे कि बोला ये लोरेम हो गया, XFF हो गया, हमारे इंडिया में पहाड़ी, मैं वैसे तो पहाड़ी को ही जानता हूँ और दूसरे कोई तो किसी को तो नहीं जानता, तो उसकी स्नाइपर आप देख सकते हो, वो मतलब कैसे अपनी टीम को बैकअप दे रहा है, कैसे खेल रहा है, फॉल्स आउट कैसे हो रहे हैं वगैरह वगैरह। कोई भी स्पोर्ट्स टीम आप देख लो, मतलब अच्छी वाली जो पॉपुलर है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, जैसे कि पहाड़ी गेमिंग की वो ओरिंगटन स्पोर्ट्स है, तो उसमें से वो स्नाइपर प्लेइंग कर रहा है। तो वैसे मतलब एक स्नाइपर का रोल बहुत बड़ा होता है और उसको चलाना भी मतलब डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अभी दूसरी गनों में क्या होता है फ्री फायर की, कि बाई डिफॉल्ट आप स्कोप करते हो तो सीधा एनिमी के ऊपर एम चला जाता है और आप हम सीधा फायरिंग करने लगते हैं, तो वो इजी पड़ता है। लेकिन स्नाइपर में ऐसा कुछ नहीं है, हमें स्कोप करके बंदे के ऊपर ड्रैग करके ले जाना पड़ता है, उसके बाद वो उसको मारते हैं। तो मतलब थोड़ा हार्ड है, स्नाइपर अभी रिलोड भी कर रही होती है, पहले तो बहुत स्विच हो रही थी लेकिन अब इतना फास्ट स्विच नहीं हो रही है। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको मेरी जो HUD है वो दिखा रहा हूँ, पहले देखते हैं मतलब कैसे मैं कहाँ से स्विच ऑफ करता हूँ, स्विच ऑफ क्या मतलब स्नाइपर स्विच कैसे करता हूँ, कहाँ से रिलोड करता हूँ, कहाँ से स्कोप करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं। सेटिंग कंट्रोल्स और ये रही हमारी HUD। तो सबसे पहले तो ये फायर बटन दिखा देता हूँ, मतलब डिफॉल्ट वाला होता है वो, उसकी ओपासिटी पहले बढ़ा देता हूँ। अबे यहाँ पे मत करो, हाँ ये देखो, और उसकी साइज है 47, ठीक है इसको कम कर देते हैं। उसके बाद होता है हमारा सेकंड वाला फायरिंग बटन, तो वो ऊपर रहता है एकदम, उसकी पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ है। उसके बाद स्कोप, तो स्कोप में रुको आपको लेके यहाँ से जैसे दिखाता हूँ, ये रहा उसको, फिर ओपासिटी बढ़ाता हूँ, तू भाई साइड में आ जा, तो ये बढ़ क्यों नहीं रही, देखो यहाँ पे, यहाँ से स्कोपिंग होता है मेरा। अरे भाई ये क्यों बीच में आ रहा है, ठीक है तो यहाँ से सिंगल रिलोड वाला यार, यहाँ पे डबल रिलोड, और यहाँ पे जंप जंप वाला बटन है, ठीक है
बस हो गया ना। अब देखो, अब तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। ये एक जंप करने का बटन वहां है, स्कोपिंग बटन यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, स्विच बटन। अगर डबल एडुलम चलाता हूँ, अबे ये बीच में आ गया, डबल एडुलम चलाता हूँ तो ये वाला बटन यूज करता हूँ। अगर सिंगल स्नाइपर यूज करता हूँ तो रिलोड के लिए ये नीचे वाला रिलोड बटन यूज करता हूँ। तो बस यही थी मेरी वो आज की एचयूडी जो मैं 5 फिंगर क्लो पे खेलता हूँ, और अभी तो स्नाइपर सीख रहा हूँ भाई। आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी स्नाइपर कर लेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ गाइस, थोड़ा सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और अभी मैं कैसे खेलता हूँ 5 फिंगर में, तो उसके लिए आपको 50 लाइक करने पड़ेंगे वीडियो में, तभी मैं आपको मेरा हैंडीकैम दिखाऊंगा कि मैं कैसे खेल रहा हूँ 5 फिंगर से स्नाइपर। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।